होमवर्क हम गुड लोग देखेंगे मॉर्निंग कि हम लोग, सर। हाँ गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग, हम लोग आगे क्लास बढ़ाते हैं, सर ठीक है ना। मैंने हाँ भी देखिए हम लोग क्या लिखा होमवर्क दिए थे, रिजल्ट नहीं होमवर्क दिया। दिए, होमवर्क में शायद आपका जंबल वर्ड दिया हुआ है ना, तो यस सर। आप लोग जंबल वर्ड बनाए हो तो कितने लोग भेजे हो, ज्यादा का लगता है कि होमवर्क बेसिक क्लास वाले का होमवर्क ज्यादा नहीं आया है। सर मैंने हुँ? भेज दिया था, आपने चेक नहीं किया। आप कुछ आए हैं, कुछ आए हैं, लेकिन सभी का नहीं आया हुआ ये हम बोल रहे हैं, तो देखते हैं सोल्यूशन करते हैं जंबल वर्ड्स का, ठीक है। सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, जैसे पहला दिया हुआ है जो गिवेन इज द वाइट, दिस इज द वाइट वर्ड सर, पर्पल सही वाइट, एंड द सेकंड इज पर्पल, ये सब होमवर्क का तो इजी सॉल्यूशन है। सर है। हाँ ये सभी सोल्यूशन लिखे हुए थे यस ना, होमवर्क सोल्यूशन, ठीक है सर, मिला लिखना लेंगे। है और इसे सर। हाँ सब लिखना है, एक बार हो जाएगा क्योंकि वो तो हम चेक कर दिए हैं। डार्कनेस में एक और ऐसो डार्कनेस हो गया, फिर देखो बिकॉज, बिकॉज बिकॉज में लोग ई छोड़ दे रहे थे, यहाँ पर कुछ कुछ लिखे हैं बच्चे, सर ई इसको छोड़ दे रहे लिखना थे है बिकॉज। हाँ लिखना है बिकॉज। सर। लेसन में लेसन देखो बाबू, लेसन में डबल एस हमने दिया था, लेकिन बच्चे सिंगल एस दे रहे थे, जो दे रहे थे उनके लिए बता रहे हैं, जहां मिस्टेक करोगे वहां हम अंडरलाइन करेंगे। आपने मिस्टेक किया है यहाँ, आपने मिस्टेक किया है यहाँ सिंगल एस देकर। नेक्स्ट में देखो बाबू क्या फेस्टिवल सर, दिया हुआ, वो फेस्टिवल दिया हुआ, फेस्टिवल फेस्टिवल है। फिर क्या हॉर्स दिया हुआ, हॉर्स, ये तो इजी है, हॉर्स दिया हुआ है। फिर देखो CROWN क्रॉन दिया हुआ, क्रॉन का मतलब मुकुट होता है, क्राउन। सर। नेक्स्ट में देखो बाबू PRRETN क्या है, पी से क्या है, उसका रिप्रिंट होगा, रिप्रिंट क्यों रिप्रिंट क्यों लिखेंगे, प्रिंटर क्यों नहीं लिखेंगे, प्रिंटर भी बनता है, रिप्रिंट भी बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिंटर पहले प्रिंट रहेगा तब ना रिप्रिंट करेंगे, प्रिंटर रहेगा तभी ना रिप्रिंट करेंगे, प्रिंटर है ही नहीं तो प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर चाहिए, पहले प्रिंटर आया फिर रिप्रिंट करेंगे, तो पहला वर्ड जो बनेगा क्लास वो हाँ प्रिंटर बनेगा। नेक्स्ट में है क्लास CLASS, फिर सर, देखो उसके जो बाद दिया हुआ स्टोरी 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 दिया हुआ ना बाबू, स्टोरी, ठीक है। यस स्टोरी सर। समर नेक्स्ट में उसके बाद फल है, समर सर, समर फिर हाँ विंटर फिर आपका ओवर सम वाइट। समर है, फिर देखो विंटर, कितना बच्चा इसको रिटेन लिखा है, कितना रिटेन लिख दिया है, ठीक है ना, ये देखो रिटेन लिखा हुआ, विंटर दिया हुआ था विंटर, और रिटेन ऐसे भी रिटेन लिखेंगे तो रिटेन लिखने के लिए हमें डबल टी की है ना जरूरत है। यहाँ आगे बढ़ेंगे ओवर, चलो तो इट्स ओवर, और एक क्या है QUI वाइट, ये है ना, वाइट चलो ये तो हमारा आपका हो गया। हम लोग जंबल वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, और आज हम जो डिस्कस करेंगे, अब हमारा सिलेबस बढ़ रहा है, सिलेबस जैसे जैसे बढ़ रहा है तो तेजी से बढ़ेगा, ठीक है ना, आप लोग को जो भी प्लीज दे। साइड प्लीज। ओके चलो, और कुछ बोलो बाबू, किसी को कुछ बोलना है, से समथिंग एल्स, समबडी एल्स, टेलिंग टू मी, आस्क द क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम, एनी डॉट, एनी वरीज, एनी वरीज। और बच्चे सब जुड़ गए, स्वाति कौन है, स्वाति, स्वाति बिडियोन, अनन्या, अनन्या बिडियोन, सोनम, नैतिक यादव, वीडियो ऑन करके रखे हैं बाबू सबको, ओके सब लोग देख लीजिए। हाँ सर ऑल करेक्ट, यस सर ऑल ऑल करेक्ट, करेक्ट, ऑल करेक्ट, करेक्ट ऑल ऑल करेक्ट। सब लोग करेक्ट जल्द से जल्द, जल्द से जल्द मैच करेंगे होमवर्क सॉल्यूशन, जो जो जुड़ रहे हैं जल्द से सर। जल्द मैच हो अपना, गया हाँ जल्द से जल्द अपना, अभी लोग जो जल्दी जल्द जो जुड़ रहे हैं, अभी जस्ट जो जुड़े हैं, अपना सॉल्यूशन को जल्द से जल्द मिलाएंगे, जो होमवर्क आप बनाए थे उसका सॉल्यूशन आप लिख भी सकते हैं, उसको मिलाएंगे कि आप कौन कौन सा गलत कहाँ कहाँ किए हो, ठीक है। चलिए 1 मिनट में जल्दी कीजिए, फिर आगे सर। बढ़ते हम हैं, फिर नंबर पे भेजेंगे होमवर्क, तो आप चेक कीजिए होमवर्क नहीं चेक किए हैं, ना। यस सर, मेरा भी नहीं किए। सिलेबस का,
सबका होमवर्क चेक है, और कुछ ग्रुप में था, कुछ पर्सनल नंबर पर था, तो पर्सनल नंबर वाला एक एक नंबर ढूंढ कर हमने चेक किया है। नहीं मेरा नहीं हुआ। क्या बात है, संडे को ही हम लोग भेज देते हैं, वो ना जो लोग बाद में भेजते हैं ना उनका आगे चला जाता होगा, हम लोग का पीछे ही रह जाता होगा, संडे को ही भेजे इसलिए। थे। तो यस हमने तो बहुत खोजा, यहाँ तक गया। कितना तारीख को लास्ट हमने चेक किया, लास्ट चेक किया है यहाँ तक 3-5, तीन प्लीज पाँच हाँ देखो संडे पार नहीं किया। वो ओके, ले दो, उस पर मेरा तो बर्थडे नहीं हूँ। 5 तारीख को क्लास हुआ था बाबू, 5 तारीख तक कहाँ किसी के, जो जो आया था सबको हमने भेज दिया। ठीक है, हाँ मतलब सर मैंने भी भेज दिया है, मैं दिखा डांसर 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 डन, मिटा दूं सर मिटा दूं बाबू? सर अभी तो नो लेट सर, आ रहा। नो सर, ओके डू इट फास्ट। हो गया बाबू सबका? यस सर, प्रतीक हो गया? ठीक यस सर, हो गया। क्या चेकिंग हो गया? ऑल क्लियर? नैतिक को क्या हुआ? हो गया मेरा तो बोल रहे हैं कंप्लीट सर, माय वर्क इज कंप्लीटेड। ओके आई विल गाइस एंड लेट्स कंटिन्यू आवर द टॉपिक। लो सर, 2 मिनट, लो सर, सर 2 मिनट, लो सर ये इज सर 5 मिनट आएगा। टुडेज टॉपिक इज वर्ड, नहीं हमने वर्ड पढ़ाया। दिखे। ठीक है, वर्ड्स पढ़ाया, वर्ड्स के बाद हम आपको आज की टॉपिक दे देंगे, हेडिंग देंगे द सेंटेंस। द सेंटेंस, द सेंटेंस, ठीक है। आज कुछ डेफिनेशंस लिखाएंगे, आप लोग देखेंगे और हम बताएंगे कैसे द सेंटेंस के बारे में। ठीक है, द सेंटेंस का हम डेफिनेशन लिखेंगे, द फ्रेज, द सेंटेंस, द तो ये कौन से फ्रेज, चैप्टर में, द अल्फाबेट में या आप वर्ड्स एंड इट्स अल्फाबेट, फॉर्मेशन अल्फाबेट तुम्हारा खत्म हो गया। अब जो तुम्हारा चैप्टर, न्यू चैप्टर है द सेंटेंस, सेंटेंस चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हो। सेंटेंस नाम का तो कोई चैप्टर नहीं है, अल्फाबेट के बाद है वर्ड्स एंड इट्स फॉर्मेशन है। अल्फाबेट का काम हो गया, अल्फाबेट आपका खत्म हो गया। ठीक है, अभी आपका चैप्टर का नाम है द सेंटेंस और इट्स काइंड्स, और हम द सेंटेंस में जिनसे सर वर्ड्स बट हम इस नाम का कोई चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। सर सिलेबस आगे पढ़ाएंगे तो दिखेगा। वो चैप्टर का नाम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लिखा हुआ होगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस लिखा होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है या नहीं है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ना है। हाँ अल्फाबेट जो खत्म हुआ उसके बाद लिखा हुआ है वर्ड्स एंड इट्स फॉर्मेशन। तो नहीं वर्ड्स एंड सर, आप फॉर्मेशन, वर्ड्स एंड फॉर्मेशन बताया था ना, उसका जंबल वर्ड हमने बताया। तो वर्ड फॉर्मेशन के लिए अभी टाइम है, वर्ड फॉर्मेशन सेंटेंस। अच्छा ठीक है, पहले सेंटेंस हटा देते हैं, सेकंड में वर्ड सर तब फॉर्मेशन। वो ना क्रिएट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, खोजने में भी। सर द ओके सेंटेंस चलो, नहीं लिखना था। नहीं द सेंटेंस हटा देना। ठीक है, द सेंटेंस वर्ड्स फॉर्मेशन, वर्ड्स एंड वर्ड्स फॉर्मेशन का दूसरा चैप्टर में बता रहे हो, तो वर्ड्स एंड वर्ड्स फॉर्मेशन की ओर चलते हैं। तो सेंटेंस एकदम अलग है, क्योंकि अभी वर्ड्स से, वर्ड्स के मेल से, द नेसेसरी से, द वर्ड्स टुगेदर वर्ड, आपने द सेंटेंस क्यों बिठा दिया? आप सभी लोग हटा देंगे, अपना सिलेबस को देखेंगे, और सिलेबस में हमने बताया गया, वो बता रही है कि उसमें वर्ड्स फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम अल्फाबेट के बाद वर्ड्स हमने बताया, जंबल वर्ड बताया है ना, तो वर्ड्स बताया, जंबल वर्ड बताया। ठीक है, तो इस प्रकार वर्ड से अब क्या करना है सर कि जो, हाँ जो वर्ड्स होते हैं उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे जाएंगे,
लिखेंगे कि इन इंग्लिश लैंग्वेज, अब जो लिख रहे हैं, एज आई राइट यू स्टार्ट टू राइट, हाँ तो सर ये वर्ड्स और वर्ड्स फॉर्मेशन चैप्टर का है अभी जो यस लिख रहे हैं। स्टार्ट। हाँ अभी वर्ड्स स्टार्ट होगा, उसके बाद फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। इन इंग्लिश वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं पहले वो बता देंगे, उसके बाद फॉर्मेशन। इन इंग्लिश सर जो अभी आपने लैंग्वेज, लिख पहले आपको लिखना है सभी लोगों को, इन इंग्लिश लैंग्वेज, फिर छूटेगा, लेट करोगे मिटाएंगे, दैट्स माई नॉट प्रॉब्लम। लिखना है इन इंग्लिश लैंग्वेज, सभी लोग स्टार्ट कर देंगे। इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल वर्ड्स, जितने वर्ड्स हैं इंग्लिश में, जितने वर्ड्स हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल वर्ड्स आर, ऑल वर्ड्स क्लासेस, ऐसे नहीं, रुक जाओ, वर्ड्स आर क्लासिफाइड और ग्रुप्ड इनटू एट सर क्लासी ग्रुप्स। के बाद क्या लिखा है, FED लिखा है या FIED लिखा क्लासिफाइड, है सर? क्लासिफाइड हाँ नहीं समझ में आ रहा, रुक सर जाओ FED अभी। लिखा है और ये समझ आ रहा था सर। वर्ड्स के बाद क्या क्लासिफाइड लिखा है? वर्ड्स आर, वर्ड्स आर, ठीक है, वर्ड्स आर, ठीक है, इट्स ओके। वर्ड्स आर क्लासिफाइड, यस सर समझ गए ना, देख रहा, इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल वर्ड्स आर क्लासिफाइड और ग्रुप्ड इनटू एट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सर वो दियर, क्लास फाइन लिखा है कहाँ वो, सर, आर के बाद क्लास फाइंड लिखा क्लासिफाइड, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर वर्क इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। जो भी वर्ड्स हैं, जितने सारे वर्ड्स हैं, वे सारे वर्ड्स को अब यहाँ डायग्राम के थ्रू बताएंगे। जितने सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स को, जितने सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं हमारे, वे सारे इंग्लिश वर्ड्स को एट ग्रुप में बांटा गया है, एट ग्रुप में बांटा गया है। उन एट ग्रुप का नाम हम लिखेंगे, उन एट ग्रुप का नाम हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि वो एट ग्रुप्स कौन कौन है, और सर उससे मुझे ज्यादा कोई, पता ठीक है है ना। तो एट सर ग्रुप मुझे पता में, है सर, एट ग्रुप में सबसे पहले बहुत सारे सेकंड लाइन में वर्ड्स, इंटू के बाद क्या और दूसरा में होगा प्रोनाउन, थर्ड सर? सर नंबर में होगा आप इंटू एट के एडजेक्टिव, बाद क्या लिखे हैं? वो क्या वो इंटू एट के बाद क्या लिखे हैं? एट ग्रुप्स। अच्छा तुम लोग को आर नहीं पढ़ने आ रहा है, एट ग्रुप्स, ठीक है, ठीक है, आठ ग्रुप में। सर मुझे एट ग्रुप का नाम पता है सर, अब यहाँ पर फोर नंबर में आएंगे तो एडजेक्टिव के बाद वर्ब, और फिर फाइव नंबर में आएंगे तो वर्ब के बाद एडवर्ब, और चलिए इधर से जाते हैं, फाइव सोहम के भाव वीडियो बाद ऑन कीजिए जी। सिक्स नंबर में आएंगे एडवर्ब के बाद नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन, प्रपोजिशन सर ये तो कहीं से ठीक मम्मी है, प्रपोजिशन, उसके बाद लेकिन हाँ सेवन नंबर में कंजंक्शन, भाभी कंजंक्शन ठीक है। ऐसा काम करते हैं बाबू, इधर सर सेकंड सीधा, इधर भी, लाइन हाँ में जो इधर भी लास्ट सीधा वर्ड कर। लिखा हुआ है उसके बाद वाला लेटर क्या है थर्ड लाइन का, फर्स्ट सर लेटर मैंने थर्ड लिख लाइन लिया जो का? आपने इरेज करा है कहाँ, सर फर्स्ट लाइन का थर्ड लेटर का क्या लिखा है?
ये यस सर। लैंग्वेज नो सर, ऑल, लैंग्वेज नहीं, थर्ड लाइन का फर्स्ट लेटर। ये वर्क। यस सर। सर जो आपने अभी इरेज किया वो मैंने लिख लिया ऑल। हाँ लिख लिया ना, अच्छी बात है। यहाँ पर दिखाना पड़ेगा अभी तो अच्छे से, और लिखेंगे कि सीधा सीधा रहेगा, क्योंकि दिक्कत हो रहा है सब लोगों को लिखने में, तो उसको सुधारने के लिए हम कुछ अच्छे से करते हैं। देखते हैं, एडजेक्टिव हो गया, हाँ मैंने एडजेक्टिव अच्छे दिए कैसे। हैं सर, डिक्टेट कर सर हम रही लोग थी। मैंने लाइन सर्कल वाला वाइज लिख इंग्लिश वर्ड लिख सकते हैं। वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, 5 नंबर में सर देखेंगे। हाँ के सर्कल वाला इंग्लिश वर्ड लिख सर, लिखना है वर्ब, उसके बाद हम एडवर्ब हो लोग जाएगा। लाइन देखो वाइज अब नहीं लिख सकते। लिखो, जैसे लिखना वैसे लिखो, हम जैसा बता रहे हैं वो तो हम बता ही रहे हैं कि सबको बांटना है, इसलिए बताया, ठीक है ना। वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद प्रपोजिशन। प्लीज यस, सर साइड प्लीज प्रपोजिशन के बाद सर कंजक्शन। साइड। और 8 में होता है वो इंटरजेक्शन, 8 में है इंटरजेक्शन। ये हमारा 8 वर्ड्स में, जो जितने सारे वर्ड्स हैं सभी को 8 ग्रुप में बांटे हैं, तो सभी वर्ड्स को हम कुछ ना कुछ नाम से जानते हैं, तो सभी हमारा एक एक टॉपिक है। हम लिखा भी आगे कि नॉन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो आज हम जब स्टार्ट करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इसको हिंदी में यदि बात करें, इसको बोलते हैं बाबू शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद, इसे हिंदी में बोलते हैं। तो शब्द भेद का मतलब क्या हुआ कि जितने सारे सर शब्द सिक्स हैं, नंबर में क्या लिखे हाँ हैं? जितने जितने सारे शब्द हैं, प्रपोजिशन, PREPOSITION, प्रपोजिशन, तो सर थर्ड लाइन जितने का लास्ट लेटर क्या लिखा है? स्पीच, SPEECH, स्पीच। ओके, डन। यू ऑल हैव डन। सर आई हैव ऑल्सो डन। सबको हो गया? अब नो सर। सर इसे घूम घूम के तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमें पढ़ना होता है, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? शब्द सर साइड भेद, प्लीज। शब्द भेद। शब्द भेद का मतलब क्या है कि जो भी शब्द होंगे, जो भी वर्ड्स होंगे, वो किसी ना किसी काइंड से, भेद का मतलब काइंड, किसी ना किसी काइंड के होंगे। तो जो भी शब्द होंगे कोई ना कोई काइंड होगा, सर सही बात है। तो कोई प्रोनाउन, नॉन प्रोनाउन। अब इसको 2 ग्रुप में बांटते हैं बाबू, 2 ग्रुप में बांटते हैं, यहाँ ध्यान देना। पूरे वर्ड्स को हम 2 ग्रुप में बांटेंगे, एक ग्रुप और 2 ग्रुप में, ठीक है। देखना क्या है कि एक ग्रुप में क्या होगा कि वर्ड टाइप्स होंगे, एक ग्रुप जो हम बनाएंगे वर्ड टाइप्स, और इसी वर्ड टाइप्स को हम वर्ड फॉर्मेशन के नाम से जानेंगे आगे। वर्ड टाइप्स, वर्ड टाइप्स। तो वर्ड टाइप्स कितने प्रकार के होंगे? तो यदि हम कोई वर्ड लिखते हैं, यदि यदि हम कोई वर्ड लिखते हैं, और सर वो साइड जैसे प्लीज हाँ कोई कोई वर्ड हम लिखते हैं और वो वर्ड नॉन है, तो नॉन है, तो उस सर नॉन इसे से हम लिखना उसको, है हाँ साइड उस नॉन से हम प्लीज उस नॉन से हम उसको एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, है ना। और एडजेक्टिव बना सकते हैं उसी शब्द को, और सर उसी शब्द साइड को साइड हम प्लीज सर। उसी शब्द को भर भी बना सकते हैं, और उसी शब्द को भर भी बना सकते हैं, और उसी शब्द को एडवर्ब भी बना सकते हैं। यानी कि एक शब्द, नाउन हो या एडजेक्टिव हो, उस शब्द को हम 4 रूप में बना सकते हैं, और नाउन से एडजेक्टिव में बनाना, एडजेक्टिव से वर्ब में बनाना, वर्ब से एडवर्ब बनाना, यही कहलाता है वर्ड फॉर्मेशन, यही कहलाता है वर्ड फॉर्मेशन, यही कहलाता है वर्ड फॉर्मेशन। बनाते हैं तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ दे देते हैं, सर साइड प्लीज जो बाद में भी समझ में आएगा।
जैसे सर कैसे नाउन से एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब हो जाएगा? एग्जाम्पल, जैसे हम एक नाउन लेते हैं प्लीज ब्यूटी, ब्यूटी एक नाउन लेते हैं, उसको चारों फॉर्म में हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे आसान हो समझने में, लिखे हाँ लिखो। सर। डन, आई हैव डन सर। अब जैसे हमने ब्यूटी लिया, उसी प्रकार एक और वर्ड ले लेते हैं साइड प्लीज। जैसे क्रिएशन या क्रिएट, क्रिएशन हम लेते हैं, ठीक है। क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण, क्रिएशन पी हो बाबू का वीडियो ऑन मतलब कीजिए, निर्माण, क्रिएशन अथर्व तिवारी वीडियो ऑन कीजिए जी, का मतलब रुद्र बाबू निर्माण, वीडियो ऑन ठीक कीजिए। है। निर्माण हो गया, ठीक है। कोई बोलते है, होता है नहीं होता है, सबका हो गया। ब्यूटी का मतलब सुंदरता। अब हम देखो ये सभी नाउन है, एक ब्यूटी नाउन है, क्रिएशन नाउन है, ठीक है ना। नाउन से हमें एडजेक्टिव बनाना है, तो एडजेक्टिव बनाएंगे तो ब्यूटी का एडजेक्टिव होता है ब्यूटीफुल, ठीक है सेम चीज, उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा ब्यूटी से ब्यूटीफुल। वर्ब बनाना है तो वर्ब हो जाएगा ब्यूटीफाई, ब्यूटी फाई। अब यदि कहना है सर एडवर्ब बनाइए, तो ब्यूटीफाई से फिर एडवर्ब हो जाएगा ब्यूटीफुल्ली। तो इस प्रकार से एक शब्द का चार फॉर्म बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब, वर्ब से एडवर्ब, ठीक है। क्रिएशन में, क्रिएशन का मतलब सर क्रिएटिव, एडजेक्टिव में क्या होगा क्रिएटिव, और वर्ब में क्या होगा क्रिएट, और एडवर्ब में क्या लिखेंगे क्रिएटिवली, एडवर्ब में क्या लिखेंगे क्रिएटिवली, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारा एक लिस्ट है कि हम कैसे नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब, और वर्ब से एडवर्ब बनाते हैं। उस प्रकार हम वर्ड फॉर्मेशन में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वर्ड वर्ड फॉर्मेशन में हम वर्ड, उसको हम अदर नाम वर्ड टाइप्स भी कहते हैं। तो वर्ड के कितने टाइप्स हैं, तो कोई भी वर्ड जब हम लिखते हैं इंग्लिश में, तो उस वर्ड को नॉन से सभी को नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट है ना, जिसका बना सकते हैं उसका हम जानेंगे कि नॉन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब, वर्ब से एडवर्ब कैसे बनता है, जो कॉमन हो, जो चारों बन सके, है ना। वैसे शब्द का कुछ एग्जाम्पल्स हम दिए हैं, लेकिन अभी थोड़ा वास्ट है, अभी यहाँ पर हम इतना ही रुकेंगे। फिर बाद में सीखेंगे कि नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब, अब वर्ब से एडवर्ब कैसे बनाएंगे, जब हम प्रीपोजिशन में नॉन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब वर्ड फॉर्मेशन फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम नॉन में भी देखेंगे कि कैसे वर्ड फॉर्मेशन आता है, नॉन अलग पढ़ेंगे, एडजेक्टिव अलग पढ़ेंगे, ये सब सब पढ़ लेंगे, तब हम वहां पर वर्ड फॉर्मेशन का चर्चा करेंगे। वर्ड फॉर्मेशन क्या है, व्हेन अ वर्ड इज चेंज इनटू, वर्ड फॉर्मेशन का डेफिनेशन दे रहे हैं बाबू। वर्ड फॉर्मेशन क्या है, इसका डेफिनेशन दे रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन कहता है व्हेन अ वर्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड, को लिखना नहीं सिर्फ देखना है, डेफिनेशन आपको आता होगा इसलिए आप बोल रहे हैं कि लिखना है, तो इसको लिखना है एकदम अवश्य रूप से लिखना है। व्हेन अ वर्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, है जो आप लिख रहे हो उसे लिखना है। हाँ लिखना है, व्हेन अ वर्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ वर्ड अनन्या बाबू आपका वीडियो क्यों बंद रहता है जी? अनन्या ऑन कीजिए बाबू। टू सर एनदर फॉर्म ऑफ सर वर्ड, एनदर जो फॉर्म मैं उसका ऑफ फर्स्ट वर्ड। लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है सर, क्या पर वो जो अभी आप लिख रहे हैं उसकी फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? ये फर्स्ट वर्ड, भेन, भेन अ वर्ड इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ वर्ड टू
अनदर फॉर्म ऑफ वर्ड यानी पार्ट्स ऑफ अ स्पीच इज कॉल्ड वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब है इज कॉल्ड वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का क्या मतलब है ये समझेंगे। जब किसी शब्द को बदला जाता है, जब किसी शब्द को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, यानी एक पार्ट्स ऑफ अ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ अ स्पीच में बदलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? सब लोग लिख लिए? सब लोग लिख लिए? सर, नो सर, सर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर। वर्ड फॉर्मेशन का सर। हाँ बोलिए सर। बोले आपने बोला कि वर्ड फॉर्मेशन आप नाउन प्रोनाउन पूरा वन से लेके एट तक जो भी इंग्लिश वर्ड वाले सर्कल में लिखा है वो पढ़ाएंगे, तो फिर पार्ट्स ऑफ अलग चैप्टर है उसमें क्या पढ़ाएंगे जब, तो हम पहले पढ़ लेंगे ये सारा चीज। यहाँ पर समझ, यहाँ पर लेट सी, यहाँ देखेंगे इंग्लिश। हमने समझाया कि वर्ड फॉर्मेशन आपका चैप्टर है, आपका चैप्टर पढ़ना वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन में हम चार ही फॉर्मेशन करते हैं वर्ड का। तो वह एक, क्योंकि एक नॉन है, जैसा एग्जांपल दिया गया है, एक नॉन से हम जब डिक्शनरी उल्टेंगे तो ब्यूटी भी मिलेगा, ब्यूटीफुल भी मिलेगा, ब्यूटीफाई भी और ब्यूटीफुल्ली भी मिलेगा। इस तरह सब कुछ मिलेगा, सबका अर्थ अलग अलग है, सबका मीनिंग अलग अलग है, सबका यूजेज अलग अलग है। तो वो क्या है, एक ही वर्ड है जिसका रूप अलग अलग है, यानी जिसका पार्ट्स ऑफ अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो उस कंडीशन में जब एक ही वर्ड को हम नॉन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से भर और भर से एडवर्ब बनाते हैं, तो ये तो एक वर्ड का चार टाइप हो गया, वर्ड्स का टाइप। तो जब वर्ड्स का टाइप एक टाइप से दूसरे टाइप में बदलता है, दूसरे से तीसरे में बदलता है, तो वही कहलाता है वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। कह सकते हैं कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब जब बदलता है तो वो ट्रांसफॉर्म होता है, उसमें कुछ चेंजिंग आते हैं, उसमें कुछ जुड़ता है, कुछ घटता है, कुछ चेंजिंग आते हैं, उस जिस वजह से उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितने हमने बताया कि इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसमें तो इज एम आर एट इन ऑफ अंडर एवब बिलो एंड बिटवीन एमंग बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो सभी वर्ड्स का फॉर्मेशन थोड़ी होता है, सभी वर्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ बताया कि दो कैटेगरी में बांटते हैं, तो इसका डेफिनेशन हो गया तो हम मिटा देते हैं। यानी हमने बताया कि हम सिर्फ फॉर्मेशन किसका किसका करते हैं, नाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का और एडवर्ब का, और बाकी किसी का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसी का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पहले ये जानेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन है क्या, क्या है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन क्या है, और किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं और किन का नहीं, क्योंकि क्योंकि वर्ड्स हैं, क्योंकि वो वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स में तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, सारे वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर कुछ नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर कुछ नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ यही चार से ट्रांसफॉर्मेशन संभव है, कि वो नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से भार और भार से एडवर्ब बनेगा। हाँ तो सर आपका डेफिनेशन मतलब ये चारों टॉपिक को आप वर्ड फॉर्मेशन में ही क्लियर करेंगे, तो आप हाँ, ये चार टॉपिक जो है इसको वर्ड फॉर्मेशन में क्लियर किया जाएगा, यही चार वर्ड चार पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वर्ड फॉर्मेशन में यही चार पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है, वो आपको दिखाया जा रहा है। अब जब हम वर्ड फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें यही यही चार पार्ट्स ऑफ स्पीच का बोध होता है, प्रयोग होता है। लेकिन कभी भी वर्ड फॉर्मेशन में प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजक्शन या इंटरजेक्शन का प्रयोग नहीं होता है, जो कि वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग है। रही हूँ, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि आप यहाँ पे जब ये चारों को क्लियर कर देंगे तो आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे भी नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब है, तब आप उसको फिर से पढ़ाएंगे या उसको हटा देंगे? दिस टॉपिक इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट टॉपिक।
इज दैट क्लियर? आई नो, पर आप जो यहाँ पे आप बता ही देंगे ये चारों, तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी ये चारों बताएंगे या ये चारों को इसी में क्लियर करके खत्म कर देंगे? लेट मी टेल, इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट कि दिस ऑल द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, ऑल द टॉपिक्स आर सेपरेटली विल बी टॉट, सेपरेटली विल बी टॉट वन बाय वन. And the word formation chapter includes in the chapter an additional chapter. It is an additional chapter to you given in some about noun and some of about verb and some about adjective and adverb. Whenever you start to study about the noun, adjective, verb or adverb as a separate topic, In that time, I will teach you the word formation adding. How can we change from noun to adjective and adjective to verb and verb to adverb? मतलब आप यहाँ पे बस ये चारों का word formation सिखाएंगे, आप उनका definition, example ये सब कुछ नहीं. Yes, पहले first of all पहले noun का पूरा जान लेंगे, noun क्या है, इसका kinds क्या है, noun में कितने भेद होते हैं. All about sir? The noun. Listen, let me finish. Sir? पहले all पूरे noun के बारे में जान जाएंगे कि noun क्या है, इसके kinds कितने होते हैं, है ना, वो कौन कौन सा प्रयोग होता है. फिर इसी में एक आएगा noun formation, इसी में noun में. फिर adjective पढ़ेंगे, तो adjective में पढ़ेंगे उसका definition, उसके kinds को पढ़ेंगे, adjective को हम समझेंगे तो वो कितने प्रकार के होते हैं. फिर एडजेक्टिव से फिर हम एडजेक्टिव फॉर्मेशन में पढ़ेंगे, अलग सबका अलग अलग है. नॉन में अलग फॉर्मेशन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में अलग फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और जब वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब जैसा कि क्लास बेसिक इंग्लिश में क्लास चल रहा है, एडवांस इंग्लिश में वर्ब चल रहा है अभी, तो जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब में भी हमें पढ़ना होगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं. जब वो सारा पढ़ लेंगे तब वहां बताया जाएगा कि वर्ब हम चेंज और एडवर्ब में कैसे चेंज करते हैं, वो अलग से. आप समझ लीजिए कि सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग पढ़ाई होगा और एडिशनल के रूप में, एडिशनल टॉपिक के रूप में आपका चलेगा. ये जो टॉपिक है इस चैप्टर के लिए जितना जरूरी है बस उतना. हाँ, अभी जितना जरूरी, लिसन, अभी इतना जरूरी था कि वर्ड फॉर्मेशन क्या है, वर्ड फॉर्मेशन किस. सर आपने डिफिनेशन की सेकंड वाली लाइन में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? When a word, listen carefully one time. When a word is नहीं उठा ट्रेन फाउंड के नीचे. Listen all the words from one to last. Listen all carefully. Done sir. When a word is transformed for ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिखना बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा देखना, एफ आर ओ एम, क्लियर है? फ्रॉम, फ्रॉम इसको देखना, सभी लोग देखेंगे फ्रॉम. आपने उधर ट्रांसफॉर्म भी लिख दिया है. फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ वर्ड टू अनदर फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. और वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर एक एडिशनल टॉपिक के रूप में जब हम एक एक करके सब पढ़ाएंगे तो उसी समय बताते जाएंगे लास्ट में कि हम कैसे उसको चेंज करते हैं, क्योंकि उस चेंज तो हो गई तो उसको अलग से हम थोड़ी बताएंगे, वहां पर बताया जाएगा कि वर्ड फॉर्मेशन इसको कहते हैं, इसे हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इसको मिटा दिया जाए. अब सर डेफिनेशन मत मिटा दीजिएगा. इसका एक स्क्रीनशॉट सर लिए होंगे, वो भेज देंगे आपको ग्रुप में, जिसका छूटेगा वहीं से वो उतारेगा. टाइम है ना, टाइम हमने कई बार कहा टाइम लिमिटेशन से चैप्टर को कहाँ कहाँ तक खींचना है, तो वो चीज पर ध्यान. ग्रुप में फोटो भेज दीजिएगा. हाँ अच्छा, भेज देंगे सर, भेज देंगे. हम बोले थे कि उसका स्क्रीनशॉट ले लें. सुनिए यहाँ ध्यान दो, एक एक लाइन में चार डेफिनेशन क्लियर करने वाले हैं बाबू, ध्यान देंगे. अभी थोड़ा सा डेफिनेशन जो है उसको क्लियर करते हैं,
वर्ड्स हैं तो कोई भी हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो पहला हमारा आता है नाउन, क्या आता है नाउन, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है नाउन जो वर्ड्स में आता है। तो नाउन हम पढ़ेंगे नाउन एंड इट्स काइंड, जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं नाउन पढ़ने वाले हैं, इट्स काइंड्स को पढ़ने वाले हैं कितने प्रकार के होते हैं, और फिर नाउन एंड नंबर पढ़ने वाले हैं, नाउन एंड नंबर वाले हैं, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड जेंडर, और इसमें नाउन में क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही एक नाउन है जिसका फॉर्मेशन क्या जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, जो हमको पढ़ना है टॉपिक में, नॉन टॉपिक में जितना पढ़ना है वो लिखना है, ये लिख लीजिए आप इतना चीज, क्योंकि नॉन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, नॉन पढ़ेंगे, स्कैंड पढ़ेंगे, नॉन एंड नंबर पढ़ेंगे, नॉन एंड जेंडर पढ़ेंगे, ऊपर और लिखे क्या लिख लिए, नहीं सर, तो पीछे पीछे मत रहो लिखने में, लिखो लिख रही है सर, लिख लिए ना सर, नो सर, डन नो यस सर, चल डन ओके। आई हैव डन सर, ओके डन, और चलो सर कर लिए सर, सर डन सर, सबका हो गया, यस सर, डन सर, डन सर, होमवर्क में आइए बाबू, इस चैप्टर नेक्स्ट में अब आपको नॉन जो भी है नॉन कैंड से पढ़ाया जाएगा। आज हम वर्ड फॉर्मेशन के बारे में, जो दूसरा था कि वर्ड फॉर्मेशन के बारे में जाने, नो वर्ड द वर्ड फॉर्मेशन, कैसे हम वर्ड फॉर्मेशन को चेंज करते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट हम वर्ड फॉर्मेशन बनाने देंगे तो बनेगा नहीं आप लोग से। अभी आप लोग का होमवर्क आप यहाँ लिखेंगे, होमवर्क होमवर्क DIY लिखना स्टार्ट कीजिए, फिल फिल द गैप, फिल द गैप एंड कंप्लीट द वर्ड, कंप्लीट द अथर्व तिवारी वीडियो ऑन करो बाबू, आराध्य पटेल ऑन कीजिए जी, गैप को भरेंगे, यो वीडियो ऑन करो बाबू, आपके लिए तो आसान ही रहेगा, ठीक है ना, हार्ड नहीं होगा, आसान दे या हार्ड दे बाबू, सर आसान दीजिए, सर आसान, इजी दे या सर, एक काम कीजिए सर, हार्ड लेवल का, एक्सट्रीम हार्ड लेवल का दीजिए, इजी इजी इजी, आप लोग नंबर दे देंगे, सर कितना देंगे, कितना देंगे दिख रहा है ना, अरे बाबा रे, नहीं सर, क्या नहीं सर, सर आधा बटा दीजिए, हम लोग नहीं लिख पाएंगे, स्टार्ट हो गया अभी से ही, और सर 40 10 दीजिए ना, तो सर और 40, नहीं सर, नो सर 10,
अभी देना ओके सर, 100 दे दिए पर 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है तो 1 दे दीजिए। 999 नंबर के पीछे रखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती सर, पीजी दीजिए ना। इजी दे रहे हैं अब सर, ये क्या लिखे एलिगेटर। कोई तेज हो जाता है इंसान, इसलिए हार्ड देना पड़ता है। सर ये बी यू लिखे है क्या सर, ऐसा मत करिए। कोई कोई बच्चे तेज हो जाते हैं ज्यादा, जो बोलने लगते हैं, तो उसके लिए फिर सोचना पड़ता है कि कौन सा लगा रहा। 2 नंबर और 3 नंबर का पता चले। जी सर, ए नंबर 1 नंबर एलिगेटर। सर इन्हें बोलिए जब पता चल गया तो चुप रहने। वही बोल रहे थे कि जो पता चल गया तो आप चुप रहो, नहीं तो फिर जो क्वेश्चन मिलने लगेगा ना तो फिर देखते रह जाओगे। क्या सर हल्का सा हार्ड दीजिए। एक्सट्रीम हार्ड। लो हार्ड लो। नहीं सर। सर 8 नंबर हार्ड है। सिंपल है। And our fourth time. सर एट दोनों नंबर पढ़ने चलो तुम। सर सर बस इतना ही लीजिएगा, बस हम मिटा दीजिए। सर बस इतना ही लीजिएगा। सर बस इतना यस सर, बस इतना ही। सर बस इतना ही। सर बस इतना ही प्लीज। सर बस इतना सर बस इतना ही। सर बस इतना ही अब और बच्चे सर प्लीज। सर प्लीज सर, खाली 11 नंबर लिखवा दीजिए। 4 नंबर में टी लिखा है क्या आर के बाद? अभी छुट्टी नहीं दे रहे, बाय हुई कोई नहीं बोलेगा। साइड तो हट जाइए। साइड भी साइड है, वो तुम लोग को दिख रहा होगा, ऐसा बात नहीं कि साइड नहीं है। ठीक है, दिख गया दिखा जी। यस सर, इरेज क्यों कर दिए इतना सारा 24 तक? तो बहुत ज्यादा हो रहा था तो इरेज कर दिए, सब लोग को डर लग रहा था। 40 तक दे देते सबको, सबको डर लग रहा था ना। सर 2 मिनट में बना दे। 20 तक दे दीजिए। नो सर 30। नो सर बस इतना ही सही है। सर 1 लाख तक दीजिए। 20 तक। सर साइड प्लीज, जहाँ पे आप लिख रहे हैं। सर इतना ब्लर दिखाई दे रहा है। बता
सर बस इतना ही। सर बस इतना ही से 20 तक खाली। सर इतना क्यों दे दिए? सर चार और दे दीजिए। नो सर, सर सर चार और। अपना होमवर्क बना करके है ना, जो नंबर दिए थे सर उस नंबर पर भेजना है, ग्रुप में नहीं भेजना होगा, ग्रुप में होमवर्क नहीं भेजना। एक दूसरे को कॉपी कर लेगा, चिटिंग कर लेगा, ठीक है ना। सब लोग आराम से उतारो, ठीक है, उतार करके फिर बताना। सर अपना नंबर दे दीजिए, मेरे पास नहीं है नंबर। सबको दिया गया। क्या लिखा है? सर आपने 12th पे क्या लिखा है? 12th में लिखा हुआ वो ये है 12th जवाब आर। सर अब बैक ही वाला एडवांस क्लासेस अभी जल 9 से अभी 9 टू 10 चलेगा एडवांस क्लासेस। ओके लोग क्विट हो जाएंगे। बाय सर। बाय बाबू। दिस इज 9 से 10 एडवांस क्लास। गुड मॉर्निंग सर। हां गुड मॉर्निंग। सेम पर दिया सर। मैं भी 11 नंबर लिख लूं। मैं तो इसके लिए किसी के पास आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, वो म्यूट करेगा। नहीं नहीं वो तो है, जैसे मतलब किसी का आवाज आ रहा है वो म्यूट करेगा वो। बाय सर। ओके बाबू। सर आपने पे क्या लिखा है? अगेन डाली इसको कर डाली। सर आपने 18 नंबर पे क्या लिखा है? हाय सर। 18 बाय। सर आपने 15 नंबर पे क्या लिखा है? 15 में बाय बाय एल एल डब्ल्यू।